हाय डियर स्टूडेंट, मैं आज क्लास 9th का गणित एक्सरसाइज 1.3 लेकर उपस्थित हूँ। इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7, इसमें करा कि ऐसी तीन संख्या लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनोसानी अनावर्ती हो, यानी जो है ये संख्या कैसा होना चाहिए, अपरिमेय संख्या होना चाहिए। हम लोग जो है इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 में ये दशमलव प्रसार के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा किए थे कि वास्तविक संख्या दो प्रकार की होती है, एक होता है परिमेय संख्या, दूसरा होता है अपरिमेय संख्या। और उसमें हम आपको परिमेय संख्या के भी दशमलव प्रसार समझाए थे और अपरिमेय संख्या के भी दशमलव प्रसार समझाए थे, जिसमें हम लोग ये कहे थे कि अपरिमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार होता है वह अनोसानी अनावर्ती होता है। जैसे उसमें हम लोग जो है उदाहरण भी दिए थे, पाई का मान दिए थे, रूट टू का मान दिए थे, है ना। आइए हम लोग जो है इसका जो है आंसर लिखते हैं। करा कि जो है तीन ऐसी संख्या लिखिए जिसका दशमलव प्रसार क्या है, अनुसानी अनावर्ती हो। अगर आप जो है रूट टू का मान लिखिएगा, है ना, कि 1.4142 13, है ना, 13 के बाद 562, इस तरह जो है आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं दशमलव के बाद जो संख्या आ रही है इसके बारे में आप अनुमान नहीं लगा सकते हैं कि ये टू के बाद क्या आएगा, यानी ये जो है क्या होता है अनोसानी अनावर्ती है, मतलब ये रिपीट भी नहीं हो रहा है, इसलिए क्या है ये अपरिमेय संख्या है। और दूसरा देखिए, जैसे आप लोग जो है पाई का भी मान देखिए, जैसे पाई का मान कितना होता है 3.14159253, इस तरह पाई का जो मान होता है, पाई भी क्या है एक अपरिमेय संख्या है, है ना। इसका मान में भी आप लोग जो अनुमान नहीं लगा सकते ये तीन के बाद कौन सी अंक आएगी, यानी ये क्या है अशांत अनावर्ती है, इसलिए ये भी क्या है अपरिमेय संख्या है। और पाई का जो हम लोग मान 22/7 लेके हिसाब बनाते हैं तो 22/7 क्या है, 22/7 परिमेय संख्या है। पाई का जो है ये लगभग मान हम लोग जो है 22/7 लेते हैं, इसके बारे में हम लोग जो है अलग से जो चर्चा करेंगे। ये दो हो गया। और देखिए अगर आप लोग जो है 0.10, है ना, 1 कर दीजिए, फिर 0 कर दीजिए, फिर जो है 111 कर दीजिए, फिर 0, फिर जो है 41 कर दीजिए, फिर 0, इस तरह का अगर जो है फॉर्म में संख्या है, फिर आप लोग जो है 0 के बाद जो है 51 कर दीजिए, 51, है ना, फिर 0, इस तरह का संख्या यदि जो है इस फॉर्म में अगर कोई संख्या है तो वह भी क्या होगा अनुसानी अनावर्ती होगा, है ना। और भी देख लिया आप लोग, जैसे 0. है ना 2, 4 है, फिर 2 है, फिर 44 है, फिर 2 है, फिर जो है ये 444 है, फिर 2 है, फिर जो है 4 to 4 है, इस तरह का फॉर्म में जो संख्या रहेगा वो भी क्या होगा अनुसानी अनावर्ती होगा। वैसे जो है यहाँ पे जो है तीन ही जो है संख्या लिखने के लिए बोला है, 1, 2, 3 यहीं तक हो गया, है ना। अब आइए हम लोग जो है इसी का जो है अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि परिमेय संख्या 5/7 और 9/11 के बीच, देखिए 5/7 और 9/11 बिल्कुल ये परिमेय संख्या, इसमें कोई भी शक शोभा नहीं है। क्यों परिमेय संख्या है, क्योंकि ये जो है p बाई क्यू के रूप में है और p और q क्या है पूर्णांक भी है, ये परिमेय संख्या है। इसके बीच हमको तीन अलग अलग अपरिमेय संख्या लिखना है, परिमेय संख्या के बीच अपरिमेय संख्या लिखना है। इसको देखिए हम आपको जो है कितना आसानी से ये सोल्व करने लिए सिखाते हैं। जैसे आंसर में, आंसर में क्या करिए, सबसे पहले ये जो आप लोग देख रहे हैं 5/7 ये जो दिया हुआ है, 5 में क्या करिए 7 से भाग दे दीजिए, है ना, 5 है नीचे 7 है, 7 से भाग नहीं लेगा, तब आप लोग क्या करते हैं पॉइंट देते हैं, पॉइंट देने के बाद यहाँ 0 दिएगा तो 50 हो जाएगा, अब 50 हो गया तो 7 का पारा 7 × 7 = 49, 1 बचेगा, 1 में फिर आप लोग क्या करिएगा 0 दीजिएगा तो फिर कितना हो जाएगा 7 × 7, यहीं तक रहने दीजिए, है ना, हमको आगे आवश्यकता इसका नहीं है। अब फिर यहाँ देखिए एक और दिया है 9/11, 9 में भी क्या करिए आप लोग जो है 11 से भाग दीजिए, फिर जो है देखिए 9 में जो है 11 से भाग नहीं लगेगा, फिर आप लोग क्या करिएगा यहाँ पॉइंट दीजिएगा, है ना, पॉइंट दीजिएगा तो 9 में 0 कितना हो गया 90 हो गया, 11 का पढ़ा पढ़िए, है ना, 8 times तो कितना हो जाएगा 11 × 8 = 88, है ना, 11 × 8 = 88, फिर कितना बचा 90 में 88 आप लोग घटा दीजिएगा तो 2 बचेगा, 2 में फिर 0 दिए 20 हुआ, है ना, 11 × 11, है ना। इस तरह भाग देने के बाद आप देखिए ये दोनों परिमेय संख्या के बीच हमको क्या
क्या बोला है, अपरिमेय संख्या निकालने के लिए बोला है। ये बहुत आसान है, 0.71 है ना, और ये 0.81, लगभग हम इसके बीच जो है ना अभी 9 परिमेय संख्या जो है अपरिमेय संख्या लिख सकते हैं। और यहाँ पर अगर 710 कर देंगे, 710 है ना, यहाँ पे 810, लगभग जो है 99 जो है अपरिमेय संख्या लिख सकते हैं। उसी तरह आपको जो है जितना जो है इसमें जीरो बढ़ाइएगा उतना अपरिमेय संख्या आप लिख सकते हैं। तो हटाइए, वहाँ तक हम लोग नहीं जाएंगे, हमको जो है सिर्फ 3 अपरिमेय संख्या ज्ञात करने लिए बोला है, तो हम आगे नहीं पढ़ेंगे, इसके बीच बोला है। तो अब इससे और आगे चलिए, जैसे जो है ये 0.71 है, हम लोग 0.72 ले लिए है ना, फिर जो है क्या करिए आप, 7 दे दीजिए, फिर 22 दे दीजिए, फिर 7 दे दीजिए, फिर 222 दे दीजिए, फिर 7 दे दीजिए, फिर जो है 4 जो है 2 दे दीजिए। अभी हम आपको जो है सिखाए थे पिछला जो है क्वेश्चन में कि इस तरह का फॉर्म में जो संख्या रहेगा वो क्या होगा, वो होगा अपरिमेय संख्या है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अनुसानी अनावर्ती बोलते हैं। फिर ये तो एक हो गया, वो 3 लेना है, फिर इसके बाद आप लोग जो है 7 3 कर दीजिए, फिर 7 दीजिए, फिर 2 3 दीजिए, फिर 7 दीजिए, फिर जो है 3 3 दीजिए है ना, फिर 7 दीजिए है ना, फिर इस तरह जो है 3 3 लिखिए। आप क्या देख रहे हैं, इस तरह फॉर्म है तो किस में होगा, अपरिमेय संख्या होगा। 3 बोला है अभी तो 2 ही हुआ है, और भी लिखिए, 7 4 कर दीजिए, फिर यहाँ 7 4 कर दीजिए, फिर यहाँ 7 3 4 कर दीजिए, फिर यहाँ 7 4 कर दीजिए। इस तरह का फॉर्म आपको लिखना, और भी आप लिख सकते हैं 0.75 7 5 इस तरह लिख सकते हैं। वैसे हमको जो है उतना नहीं लिखने के कहा गया, हमको जो है सिर्फ 3 लिखने के लिए कहा गया है। हम लोग क्या किए, 3 अपरिमेय संख्या लिखे।